फर्स्ट है, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा कचरे के ढेर से लौह चूर्ण पृथक करते हैं। यानी किस विधि द्वारा? चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा कचरे के ढेर से लौह चूर्ण पृथक करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, दूध का फटना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर थ्री, 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000 किलोग्राम होते हैं। प्रश्न नंबर चार, पतझड़ कौन सा परिवर्तन है? समझाइए। पतझड़ आवर्ती परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि यह एक निश्चित अवधि के बाद पुनः होता है तथा यह चक्र चलता रहता है। नंबर फाइव, मिश्रण से आप क्या समझते हैं? आंसर, मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं तो मिश्रण बनता है। इसमें पदार्थ अपने गुण बनाए रखते हैं, जैसे शक्कर पानी का मिश्रण, दाल एवं चावल का मिश्रण, वायु का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द्रव्यमान किसे कहते हैं? आंसर, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा की माप को द्रव्यमान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, पका हुआ भोजन फ्रिज में रखा जाता है क्यों? पके हुए भोजन को फ्रिज में इसलिए रखा जाता है क्योंकि फ्रिज में तापमान कम होता है, जिससे जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। जीवाणु पैदा नहीं होने से भोजन सड़ने व खराब होने से बच जाता है। क्वेश्चन नंबर एट, आसवन विधि का चित्र बनाइए। आसवन विधि का ये आपका सचित्र वर्णन है। कांच की नली, बीकर, बर्फ, आसुत जल। ये साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन से आपके ऑब्जेक्टिव भी यानी बहुविकल्पी प्रश्न भी बनते हैं, तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी में इनको शामिल कर लें। क्वेश्चन नंबर नौ, नदी के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए जल संशोधन संयंत्र में प्रयुक्त की जाने वाली पृथक्करण की चार विधियों के नाम लिखिए। शहरों में पानी का वितरण जल संस्थानों द्वारा किया जाता है। इन जल संस्थानों में एक अवसादन, दूसरा निथारना, तीसरी भारण और चौथी छाननी की विधियों द्वारा जल से अवांछित अशुद्धियों को अलग किया जाता है। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती